सरकारी भूमि पर कथित अवैध कब्जे के आरोपों का सामना कर रहे मोरसिंगी पंचायत प्रधान जगदीश कुमार ने राजस्व विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि अवैध कब्जे की झूठी शिकायत पर विभाग उनका पक्ष सुने बगैर ही एक तरफा कार्यवाही कर रहा है। उन्होंने प्रशासन से आग्रह किया कि एक टीम को मौके पर भेजकर उनका कथित अवैध कब्जा उन्हें भी दिखाया जाए। यदि सरकारी भूमि पर उनका एक सुई की नोक के बराबर कब्जा भी मिला तो वह वहीं पर पंचायत प्रधान पद से इस्तीफा दे देंगे। सरकारी भूमि पर कथित अवैध कब्जे के आरोपों का सामना कर रहे मोरसिंगी पंचायत प्रधान जगदीश कुमार ने राजस्व विभाग की कार्य प्रणाली पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि अवैध कब्जे की झूठी शिकायत पर विभाग उनका पक्ष सुने बगैर ही एक तरफा कार्यवाही कर रहा है। उन्होंने प्रशासन से आग्रह किया है कि एक टीम को मौके पर भेजकर उनका कथित अवैध कब्जा उन्हें भी दिखाया जाए। यदि सरकारी भूमि पर उनका एक सुई की नोक के बराबर कब्जा भी मिला तो वह वहीं पर पंचायत प्रधान पद से इस्तीफा दे देंगे। सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत में जगदीश कुमार ने कहा कि उन्होंने पटवारी और कानूनगों को पटवार घर में बैठाकर शराब पीते पकड़ा था। दो लोग भी उनके साथ शराब पी रहे थे। इससे पटवारी और कानूनगो उनके साथ रंजिश रखने लगे। उन्होंने अपने साथ शराब पीने वाले लोगों के माध्यम से उनके खिलाफ सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे की झूठी शिकायत करवा दी। ये कंप्लेंट किसी अन्य खसरा नंबर को लेकर की गई, जबकि पटवारी व कानूनगो ने किसी अन्य खसरा नंबर की मिसल बना दी। उन्होंने तहसीलदार से लेकर एसडीएम तक के समक्ष कई बार अपना पक्ष रखा। नए पटवारी व कानूनगो ने रिपोर्ट दी कि उनका कोई अवैध कब्जा नहीं है, लेकिन उन पर कतई गौर नहीं किया गया। एक तरफा कार्यवाही जारी रखी गई। जगदीश ने कहा कि उनके खिलाफ झूठी शिकायत का पर्दाफाश करने के लिए उन्होंने ये पेशकश भी की थी कि उनका अवैध कब्जा बताएं और 50,000 का इनाम पाएं। इस पेशकश को भी दरकिनार कर दिया गया। उन्हें ये संदेह है कि प्रधान पद से हटाने के लिए उनके खिलाफ षड्यंत्र रचा गया, लेकिन किसी को भी ऐसा करने की जरूरत नहीं है। यदि राजस्व विभाग मौके पर आकर ये साबित कर देता है कि उन्होंने सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किया है तो वे उसी समय खुद ही पद से इस्तीफा दे देंगे। उन्होंने डीसी से न्याय की मांग करते हुए उनसे एक टीम की मौके पर भेजने का भी आग्रह किया। जगदीश कुमार है जी, मैं ग्राम पंचायत मोरसिंगी का प्रधान हूँ। मैंने कानूनगो पटवारी को शराब पीते वो पकड़ा और उसके साथ कंप्लेनेंट श्री सुनील और श्री संजीवन साथ बैठे हुए थे। तो जब मैंने इनको पकड़ा तो इन्होंने मेरे अगेंस्ट एक कंप्लेंट ड्राफ्ट कराई इन दोनों से कि आप इनकी कंप्लेंट करें। और जैसे ही कंप्लेंट आई, पटवारी कानूनगो ने एक फर्जी मिसल बनाई कि मेरे पास 166/149 गाँव मसधान में 300 पर मैंने कब्जा किया हुआ, जबकि मैंने इस खसरा नंबर पर एक सुई की नोक बराबर कब्जा मेरे पास नहीं है। इस पर एक दो तीन बार निशानदेही हुई, परंतु जो भी आदमी आता है तहसील न्यायालय में अपनी वो रिपोर्ट बदल देते हैं। मैं चाहता हूं कि सरकार इस बारे में निष्पक्ष जांच करे और जो शिकायत करता है उन्होंने जो कब्जा किया हुआ है उसको छुड़ाए। बस मेरा यही कहना है कि मुझे निष्पक्ष रूप से काम करने दिया जाए और अगर मेरे पास किसी प्रकार का कब्जा नजायज पाया जाता है खसरा नंबर 166/149 में तो मैं उसी समय अपने पद से त्याग पत्र दे दूंगा। बस यही मेरा निवेदन है।